बालाश्चर्य की धरती जो मिसाइल की धरती के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी हुए, यह आध्यात्मिक की धरती है, संस्कृति की धरती है और विशेष रूप से उड़ीसा हम सब की वंदनीय पूजनीय भगवान जगन्नाथ की धरती है। भगवान जगन्नाथ की कृपा हम पर है और उनकी कृपा से यहाँ की जनता का कल्याण हो, उड़ीसा में समृद्धि आए, खुशहाली आए, जिंदगियों की लोगों की जिंदगियां बेहतर हो। हमारे लोकसभा में हमारे मित्र श्री प्रताप सारंगी जी, जिनकी सादगी, जिनका उड़ीसा के प्रति प्यार स्नेह, इस लोकसभा के लिए समय समय पर लोकसभा में जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना, राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में जानकारी देना, हमेशा सारंगी साहब करते रहते थे। आज चुनाव का समय है और उड़ीसा में बदलाव है। उड़ीसा की जनता अब नया बदलाव देखना चाहती है। उड़ीसा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां विकसित भारत का सपना है, वही विकसित उड़ीसा का सपना भी देखना चाहती है। पिछले 25 वर्षों के अंदर उड़ीसा में ठहराव आ गया है। उड़ीसा में प्रबल संभावनाएं विकास की है। उड़ीसा की गरीबी के जीवन परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास किए और राज्य और केंद्र दोनों मिलकर अगर प्रयास करते तो शायद उड़ीसा की तस्वीर और तकदीर परिवर्तन हो गया। लेकिन अब समय आ गया है, अब उड़ीसा की जनता राज्य में भी परिवर्तन चाहती है और उड़ीसा की जनता सभी लोकसभा सीट देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आज हम भारत की बात करते हैं तो इस 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास में आत्मनिर्भर हुआ है, देश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और हमारे नेतृत्व के कारण दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। हम सबको आज गर्व होता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर जब आर्थिक विषमताएं चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, युद्ध का वातावरण है, उस समय भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार लगातार आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की दौर की ओर बढ़ रही है। हम सबको लगता है कि 10 साल के अंदर देश का कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ हो। आज जब दुनिया के अंदर और भारत को हम देखते हैं
तो सबसे ज्यादा तेजी से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो भारत में हुआ। सबसे ज्यादा तेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर परिवर्तन हुआ तो भारत के अंदर हुआ। सबसे ज्यादा सामाजिक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गरीब के जीवन को परिवर्तन करने का काम हुआ तो भारत में हुआ। सबसे ज्यादा सीमाओं पर मजबूत और सशक्त हुआ तो भारत हुआ। आज दुनिया में हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि दुनिया का एजेंडा भारत तय करता है। आज दुनिया में इतनी भारत की ताकत है कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उस दुनिया के अंदर अगर कई ग्रह युद्ध है, विषम परिस्थितियां हैं, तो सब भारत की ओर देखते हैं। और भारत का नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व इतना सक्षम है कि दुनिया के विवादों को निपटाने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री। आप देखिए, क्योंकि ये औद्योगिक शहर भी है, कितना बड़ा हम इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर परिवर्तन ला पाए हैं। आज भारत का आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट दुनिया में चलने लगा है। कोई समय था जब हम सैन्य सारे उपकरण 95% उपकरण दुनिया से इंपोर्ट करते थे। आज भारत की इतनी ताकत बढ़ी है कि हम सैन्य उपकरणों में आत्मनिर्भर तो बने हैं, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की ताकत भी हमारी बढ़ी है। अब छोटी छोटी बात, भारत के खिलौने, दुनिया के अंदर कोई जमाना था जब दुनिया के खिलौने, चाइना के खिलौने भारत में बिकते थे। मुझे इंडस्ट्री सेक्टर ने बताया कि भारत में खिलौने का मार्केट इतना बढ़ गया है कि हमारा भी आत्मनिर्भर करते हैं, दुनिया में भेजने का काम भी करते। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, जब मोदी जी के पहले दो इंडस्ट्री हुआ करती थी, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मोबाइल इंडस्ट्रीज का हब है तो भारत है। हम आत्मनिर्भर भी हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने का काम करते। आज दुनिया के अंदर चाहे खाद्यान्न ले लो, चाहे दुनिया की बड़ी चुनौतियां हो, उस चुनौतियों का समाधान हमारा नौजवान कर रहा है। आप देखिए, किसी जमाने में हम स्टार्टअपों की गिनती करते थे, आज हमारा नौजवान कितने स्टार्टअप बनाता है। दुनिया की चुनौतियों का समाधान का केंद्र भारत बन चुका है। आज स्टार्टअप के माध्यम से नौजवान हर चुनौतियों का समाधान कर दे रहा है, लोगों की जिंदगियों को बेहतर सुविधाजनक बनाने का काम कर रहा है। और हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी नई इनोवेशन की क्षमता के कारण आज दुनिया के अंदर जो कुछ भी वैज्ञानिक स्तर पर भी परिवर्तन हो रहा है तो भारत में हो रहा है। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष के अंदर हो, जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का बेहतर रिसर्च भी यहां हो रहा है। आने वाले समय में हमारे स्टार्टअप इस अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर भी नए आयाम छूने वाले हैं। मैं कितने सेक्टर बताऊं, जिस सेक्टरों के अंदर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में हमारी ताकत, हमारी नेतृत्व क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले 10 सालों के अंदर हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्टर हो जाएंगे और दुनिया की सब चुनौतियों का समाधान भारत में होगा। इसलिए आप अलग अलग सेक्टरों के अंदर काम करते हैं, आप देखिए परिवर्तन में दिख रहा है। कोई समय था कि 70 साल का आतंकवाद, दुनिया में कहीं आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद खत्म करने का काम किया तो भारत ने किया। दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण देशों के अंदर भी आतंकवाद समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन हमारे नेतृत्व के कारण हमने आतंकवाद को भी समाप्त किया,
और दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर नहीं देख सकती, ये हमारी ताकत और सामर्थ्य बड़ा है। और इसीलिए इतना ही हमने औद्योगिक व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन किया। ये समय आध्यात्मिक विरासत और भारतीय संस्कृति के नए युग का भी शुरुआत है। कोई समय था जब वर्षों तक हम अंग्रेजों और मुगल शासकों की गुलामी की दास्तानों को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज हमें गर्व है कि हमने मुगलों की दास्तान को भी समाप्त करने का काम किया है और अंग्रेजों की दास्तानों का भी समाप्त करने का काम किया। जब हमारे मुगल शासकों ने हमारे मंदिर तोड़े थे, उसके पुनर्निर्माण का समय अभी आया है। हमारी सांस्कृतिक हमारी आध्यात्मिक विरासत का पुनर्निर्माण का समय आया है और दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने सारी गुलामी और अंग्रेजों की दास्तानों को समाप्त करने के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। आप सोच सकते हैं, हम आजादी के 75 साल तक अंग्रेजों के बनाए कानून से चल रहे थे, लेकिन आज हमें गर्व है कि इसी संसद के अंदर भारत में कानून बने। पहले क्रिमिनल लॉ होता था, अब जस्टिस लॉ बना और हमें गर्व है कि हम भारत के कानून से चलने वाले हैं। ये छोटे विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय, हमारी विरासत हमारी संस्कृति हमारा आध्यात्मिक को पुनर्जीवित करने का। आज चाहे योग की संस्कृति हो, आज अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से भारत ने अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक की ध्वजा दुनिया में फैलाने का काम किया है। आज व्यक्ति को स्वस्थ और स्वस्थ रखने की प्रक्रिया अगर कहीं है तो भारत में है। आयुर्वेद ले लो, योग ले लो, उसको लेकर दुनिया के अंदर जो विश्वास भरोसा बढ़ा है, ये हमारी ताकत की ओर संकेत देता है। और इसीलिए इस 10 साल के इस परिवर्तन में हमने आगे, जो दत्ता जी ने सही बताया, हमारे युवा विधायक उम्मीदवार है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2047 में भारत कैसा होगा, इसको लेकर कार्य योजना बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2047 तक भारत कैसा होगा, हमारा नौजवान जो भारत को देखेगा, जो सपने हमारे आजादी के लिए लड़ने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों देखे थे, उन सपनों को पूरा करने का समय अब आया है। अब विकसित भारत के सपनों का समय अब आया है। और इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अब उड़ीसा में परिवर्तन का समय आया है। उड़ीसा की जनता में अब एक व्यापक विकास की अवधारणा बनी है। अब उनको लगने लगा है कि अगर उड़ीसा को विकास की नई धारा पर ले जाना है, विकास को आगे ले जाना है, विकसित उड़ीसा बनाना है, उड़ीसा में बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ का पर्यटन, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की इंडस्ट्रीज, रोजगार के बहुत बड़े सृजन का साधन उड़ीसा है। और इसीलिए उड़ीसा का व्यक्ति बाहर न जाए, उड़ीसा की अस्मिता रहे, उड़ीसा के अंदर उड़ीसा का मजदूर उड़ीसा के अंदर रह के काम करे, ये समय अभी इसलिए आया है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि राज्य में भी अब सरकार परिवर्तन का मन उड़ीसा की जनता बना चुकी है और इसीलिए उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही है और हम सब राज्य और केंद्र में एक दल की सरकार होगी तो विकास की गति भी तेज होगी, विकास की योजनाओं के सही तरीके से अमल भी होगा, गरीब के जीवन में परिवर्तन होगा और विकास के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम नए रोजगार के सृजन करते हुए उड़ीसा को देश के सबसे विकसित राज्यों की ओर ले जाएंगे। और इसीलिए
आप सब समाज के वो बुद्धिजीवी लोग हो जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हो। उन्होंने सही कहा कि हमें एक व्यापक प्रयास करना चाहिए, हमारे इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में हमारे काम करने में, हमारे साथ रोजाना हजारों लोगों का मिलना जुलना होता है, हजारों लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, लाखों लोग हमारी इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर दुकान पर यहाँ पर काम करते हैं, हमारा बड़ा व्यापक जनसंपर्क होता है। आप अगर पूरी सामर्थ्य के साथ लग जाएं, अपने अपने मोबाइल की जितनी भी कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी है उसको खोलकर सबको संदेश दे दें, आपके काम करने वाले लोगों को बताएं कि कैसे उड़ीसा में परिवर्तन होगा, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया परिवर्तन हो रहा है, तो इतना बड़ा व्यापक दायरा आपका है कि आप सब मिलकर, यहां तो आप लोकसभा विधानसभा की सीट जीतेंगे सही, लेकिन पूरे उड़ीसा के राज्य में भी परिवर्तन करने की सामर्थ्य और ताकत आपकी है। आपकी ताकत हनुमान जी की तरह आपको समझना होगा, अगर आप पूरी सामर्थ्य के साथ लग गए और लोगों को मत देने के लिए प्रेरित कर दिया तो जनता तैयार है उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की, और दिल्ली के अंदर तो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, उड़ीसा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए आपको ये 10 दिन, अब तो 5-7 दिन ही बचे ना, 1 तारीख है, तो ये 15 दिन आपको केवल एक काम करना है, एक लक्ष्य के साथ काम करना है कि उड़ीसा के अंदर भी सरकार लानी है और प्रदेश के अंदर भी उड़ीसा के सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, इसके लिए भी काम करना है। और आपके सब मिलने वाले रिश्तेदार, आपके काम करने वाले, आपके यहाँ काम करने वाला मजदूर हो, कर्मचारी, उनके सब रिश्तेदारों को बैठकर चर्चा करना, उनको संदेश पहुंचाना, ये काम आपने कर लिया और पूरे उड़ीसा के लोगों ने मिलकर काम कर लिया, तो आप निश्चित रूप से माने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उड़ीसा में परिवर्तन है, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। मैंने बहुत परिवर्तन इस 5 साल में देखे हैं, बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन मैंने देखे हैं, बहुत फैसले मैंने संसद के अंदर देखे हैं, और मैंने उन राजनीतिक दलों को भी देखा है जो संसद के अंदर उन मुद्दों का विरोध करते थे, उन विषयों का विरोध करते थे, केवल वोटों की राजनीति के कारण करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि अब समय परिवर्तन का आया है और हम सब मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ते देख रहे हैं, और आने वाला समय इस देश का स्वर्णिम समय होगा और उसमें हमारा भी योगदान हो, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।